विद्यार्थियों, आरसीएच पारिसर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं ठोसों का प्रत्यास्थ व्यवहार, यानी जो हमारे जो ठोस पदार्थ होते हैं वो अपना व्यवहार किस तरह दर्शाते हैं। देखो, तो हम इसमें पहले तो बात करेंगे कि जो जो ठोस पदार्थ होते हैं उनकी अवस्था क्या करती है, उनका आकार क्या करती निश्चित होती है, अपन जानते हैं बिल्कुल। तो इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट आता है विरूपक बल, ध्यान दो, इसमें पॉइंट आता है विरूपक बल, एक बल आता है विरूपक बल। क्या नाम इसका भाई? इसे कहते हैं विरूपक बल। तो क्या होता है कि प्रत्येक ठोस का आकार और उसकी आकृति है अवस्था निश्चित होती है, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, जब हम किसी ठोस पर कोई बल लगाते हैं, कोई बाह्य बल लगाया जाता है, तो उसकी आकृति या उसका आकार या उसकी अवस्था था दोनों में परिवर्तन हो जाता है। मतलब जब किसी ठोस पर हम बाह्य बल लगाते हैं तो उसकी आकृति या उसकी जो आकार है या जो उसकी अवस्था है, जो उसकी प्रकृति है, इन सब में परिवर्तन हो जाता है, तो उस बल को विरूपक बल कहते हैं। यानी जब किसी ठोस पर बाह्य बल लगाया जाता है तो ठोस की अवस्था आकृति में परिवर्तन हो जाता है, तो उस बल को क्या कहते हैं, उस बल को कहते हैं विरूपक बल, वह विरूपक बल कहलाता है, ठीक है परिभाषा। अब क्या है, जब तक हम किसी ठोस पर ये बल बल कौन सा विरूपक बल नहीं लगाएंगे, तो उस ठोस के जो सभी जो अणु होते हैं, जो परमाणु होते हैं, वो सभी साम्य अवस्था में रहते हैं। साम मतलब क्या है, स्थिर अवस्था। तो सभी जो परमाणु हैं वो साम्य अवस्था में रहते हैं, यानी स्थिर अवस्था में रहते हैं। तो हम जैसे ही बल लगाते हैं, ये बल लगाने से वो विस्थापित हो जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि जब किसी ठोस पर हम अगर विरूपक बल लगाते हैं, बाह्य बल लगाते हैं, तो उस जो परमाणु है वो परमाणु विस्थापित हो जाते हैं, और जब ये बल नहीं लगाते हैं तो सभी परमाणु अपनी स्थिर अवस्था में, अपने साम्य अवस्था में रहते हैं, ठीक है भाई। दोहा क्या है, जब हम ठोस पर ये जो बाह्य बल लगाते हैं, ये विरूपक बल लगाते हैं, तो बल लगाते ही जब तक यह बल प्रभावी होता है, जब तक उनकी अवस्था में आकार परिवर्तन हो जाता है, और हम जैसे इस बल को हटा लेते हैं, इस बल को हटाते ही वह ठोस या वह वस्तु अपनी उसी अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। हम इसका आधार पर दो पॉइंट की चर्चा करेंगे। पहला है प्रत्यास्थता, ये ठोसों का गुण होता है, और ये दूसरा प्लास्टिक का, ये भी गुण होता है। देखो, हम पहले बात करेंगे कि प्रत्यास्थता कैसे करते हैं, क्या होता है, किसे कहते हैं प्रत्यास्थता। ठोसों का गुण होता है, तो ठोस पदार्थों का वह गुण जब हम उन पर विरूपक बल लगाते हैं, तो इस बल को लगाते हैं, तो जब तक यह बल प्रभावी होता है, जब तक उनके आकार में परिवर्तन हो जाता है, और बल को हटाते ही वे अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं, तो ठोसों के इस गुण को प्रत्यास्थता कहा जाता है। आप देखा होगा स्प्रिंग, देखो हम लेते हैं स्प्रिंग, जैसे हम इसको खींचते, स्त्री को खींचते हैं, तो उसमें आकार वृद्धि हो जाती है बल लगाते ही, और हम बल को हटाते हैं तो वह स्प्रिंग पहले अवस्था में वापस सिकुड़ जाती है। वही सेम कंडीशन यहाँ पे है कि ठोसों का वह गुण जब उन पर बाह्य बल लगाया जाता है, तो उनकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, आकार परिवर्तन हो जाता है, और बल को हटाते ही वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं, तो इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। वैसे इस भौतिक जगत में आज तक कोई भी वस्तु पूर्णतः प्रत्यास्थ नहीं है, फिर भी हाथी के दांत को प्रत्यास्थता या हाथी के दांत को पूर्णतः प्रत्यास्थता का दर्जा दिया गया है, प्रत्यास्थता माना जाता है। दूसरी बात करते हैं, प्लास्टिक है। दूसरा पॉइंट आता है प्लास्टिक, क्या होता है दूसरा पॉइंट है प्लास्टिकता। तो हमने बात कर रहे थे कि हम किसी ठोस पर जब हम बाह्य बल लगाते हैं, उस बल को हटा लेते हैं, तो वह ठोस अपने उस अवस्था में आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जब हम बाह्य बल लगाते हैं, तो उनकी अवस्था, उनके आकार में परिवर्तन तो हो जाता है, लेकिन वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाते हैं, तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाते हैं, उस गुण को प्लास्टिकता कहा जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि जब किसी पदार्थ पे हम बाह्य बल लगाया जाता है, तो
बाह्य बल लगाने से यदि वह पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटता है, नहीं आता है, तो इस गुण को प्लास्टिसिटी कहते हैं। यानी जब किसी ठोस पर विरूपक बल लगाते हैं, इस बल को हटाने के पश्चात भी यदि वह पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता है, तो इस गुण को प्लास्टिकता कहते हैं। जैसे गिल्ली मिट्टी है, मोम है, जब मोम है, आपने मोम को बल लगाया, मोम में वृद्धि होगी, माना अब आपने बल हटा लिया, फिर भी वो वैसी वैसी है, यानी वह मोम अपनी उस अवस्था में नहीं जा पाता है। इस तरह से एग्जाम्पल है, मोम है, गिली मिट्टी है, ये इसके एग्जाम्पल है प्लास्टिकता के। तो आप समझ गए, यह दो पॉइंट हमने बात की, एक प्रत्यास्थता है, एक है प्लास्टिकता। प्रत्यास्थता में क्या होता है कि हम वस्तु पर, हम ठोस पर बाह्य बल लगाते हैं और बल को हटाते ही, बल लगाते हैं, बल लगाने से उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है और बल को हटाते ही वह वस्तु अपनी उस अवस्था में आ जाती है, उसे आकार में आ जाती है। इसमें क्या होता है कि हम वस्तु पर, हम जब ये बल लगाते हैं, बल को हटा लेते हैं, फिर वह वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में, अपने उसी आकार में नहीं लौटती है। इस गुण को प्लास्टिकता कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है मोम या गिल्ली मिट्टी, और इसका एग्जाम्पल है हाथी दांत। वैसे दुनिया के अंदर कोई भी वस्तु में पूर्णतः प्रत्यास्थता का गुण नहीं होता, फिर भी हाथी दांत को पूर्णतः प्रत्यास्थ माना जाता है। तो ये था ठोसों के व्यवहार, ठोस किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। ये दो मुख्य गुण है, प्रत्यास्थता और आगे है प्लास्टिकता। बाकी हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे ठोसों के व्यवहार के बारे में। थैंक यू सो मच।